नहीं, मैं लाइव स्टार्ट की थी। हाँ मियाँ सफदर, ठीक है, बेहतरीन। अरे चलो रे, चलो भाई, चलो नबी अफरदमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाईजान सब खैरियत से होंगे, और खुसूसन जनाब आज अहले सियालकोट और बैरून मुल्क मुकीम हज़रा, शौकीन हज़रा, तमाम दोस्तों की खिदमत में सरजमीन सियालकोट से तमाम दोस्तों को सलाम पेश करते हैं। तो दोस्तों आज हम शौक करवा रहे हैं जनाब उस्ताद सफदर बाजवा, पंजाब चैम्पियन माशाल्लाह फने कबूतर परवरी का, वो नाम जो पूरी दुनिया में चमचुआ रोशनी दे रहा है। तो दोस्तों आज हम उनके शागिर्द जनाब उस्ताद इम्तियाज उर्फ भोला साहब सियालकोट से, उनकी छत से दोस्तों इस वक्त आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह बड़ा प्यारा सेटअप है, इनके कुछ कबूतर भी माशाल्लाह ब्रीडर बहुत ही मशहूर हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए हैं। तो आइए मैं आपको तारुफ करवाता हूँ। उस्ताद जी ज़रा आ जाओ, दो मिनट आ जाओ। नहीं जी, बड़ा गर्मी के टाइम दिता, बहुत बहुत शुक्रिया। टेंपरेचर भी अभी काफ़ी है, थोड़ी भी मेहरबानी जी, तुम साढ़े को तशरीफ लिया है जी, तशरीफ लिया का शुक्रिया जी। अच्छा साहबजादे का भी थोड़ा जहा तारुफ करो आप भैया। आ जाए अंदर, इधर आए यार। जी सब भाई को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब भाई ठीक है। जैसा कि आज भाई इतनी गर्मी से हमारे पास आए हैं शेखपुरा से हमारे जानवरों का शो करने, तो वाले साहब भी इधर ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इन भाइयों को आज हम शो करवाने जा रहे हैं। आइए भाई आपको हम शो करवाते हैं। अच्छा भाई शो के बाद में कहते हैं दो चार बातें जो उस्ताद मोहतरम से कर रहे हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह सियालकोट के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि सियालकोट माशाल्लाह कबूतरबाजी में इतना आगे क्यों है, यानी कि माशाल्लाह हर आदमी माशाल्लाह चैंपियन से चैंपियन, चैंपियन से चैंपियन। आप कह सकते हैं कि इधर से अजलों से कबूतरबाजी जो है ना सबसे बेहतर है, और कबूतर अच्छी ब्रीड इधर ही है, इधर से शुरू हुए हैं। लाहौर के पास तो इतने कबूतर नहीं होते थे, कसूर के और सियालकोट का नाम होता था, ठीक है जी, वो ही टच करके वो कबूतर बने हैं। लेकिन इधर आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में सियालकोट ही अच्छे से अच्छे कबूतर इधर परिंदे मौजूद हैं, उसी की वजह और अल्लाह की खास करम नवाजी है इधर सियालकोट पे। हमारे अच्छे से अच्छे प्लेयर भाई जो जितने भी हैं अच्छे से अच्छे प्लेयर हैं, और पूरी दुनिया में नाम है उनका, बड़े मुकाबले भी यहाँ पे कांटे का बहुत ज्यादा, और मुकाबले भी मेरा ख्याल जो लंबे मुकाबले हैं वो सियालकोट में ही, सियालकोट में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये लंबे मुकाबले तय करने का क्या मकसद होता है? कुछ नहीं, बस कह लो कि अपने अपने कबूतरों को जमाने के लिए वो करते हैं। किसी भाई के दिल में ये ख्याल रहता है कि यार एक तो फिर ये जितने लंबे मुकाबले होते हैं किसी के दिल में फिर कोई आश नहीं रहती कि मैं मायूस हो जाए कोई, बिल्कुल सबका शौक पूरा हो जाता है लंबे मुकाबले में। सही। अच्छा उस्ताद मोहतरम आपके काले कबूतर बड़े मशहूर हैं जी जी, उनका मैं चाहूंगा आज शौक करना जी, जरूर। बाकी कबूतर तो माशाल्लाह आपका बड़ा प्यारा सेटअप है, सफदर भाई जरा थोड़ा सा सेटअप दिखाएं। जरूर करें, दूर से पास से नहीं, दूर से जरा थोड़ा सा सेटअप दिखाएं। अच्छा ज्यादा ऊपर है इधर एक ही मेरा हल काला या ये स्लो स्लो दिखा कर करता है कैमरा में, तो मारता बजे। अच्छा उस्ताद जी आपके पास जो माशाल्लाह काले हैं, सुना मैंने कि माशाल्लाह पंजाब के बड़े नामवर चेहरे इनको देखने जरूर आए जी माशाल्लाह। इनके अलावा आपने कौन कौन से परिंदे बनाए? हमारे पास टैडी हैं। अच्छा, और बटेरे वगैरह हैं, चूहे हैं हमारे पास, हैं जी, मोतियों वाले हैं हमारे पास, डब वाले हैं, तकरीबन हमारे पास सारी नस्लें, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है उनका। सही। चलें साधे मोहतरम पहले कालों का थोड़ा सा काले कबूतरों का शौक करवा देंगे दोस्तों को भी। देखो
थोड़ा सा अंदर से दिखा दे। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको अंदर से थोड़ा सा व्यू आपको दिखाऊंगा इनके केजेस का। ये हमारी काली माती है, इसके 2-3 साल से जो है ना बटी बटी हो रहे हैं। इस मादा के मेरे ख्याल से उधर ले आए बैठ के वो दो शौक करते हैं। ये दोस्तों सेटअप है इनका माशाल्लाह, ये लगे हैं इनके माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सेटअप है। ये दोस्तों मेरे साथ हैं जी रिजवान भाई, उस्ताद इम्तियाज साहब के साहबजादे हैं, और इनके बाद ये सारा हैंडल करते हैं इस छत को। ये मादी के जो बच्चे हैं ना, वैसे तो काले हमारे पास बहुत से हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऊंची। वैसे तो हमारे पास जो काले हैं बहुत से हैं। अच्छा। इस मादी के जो पठियां बठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर सीजन में शाम की टेम्परेचर में, मेरे ख्याल में जिस दिन 46 पड़ा है उस दिन हमारे 7 बजे तक काले बैठे हैं। अच्छा, 46 टेम्परेचर में 46 में 7:10 तक हमारे बैठे हैं। एक 6:47 पे था और एक 7:10 पे था। यानी कि ये इस तरह के प्रवासी कबूतर हैं कि गर्मी में भी लाजवाब इनकी परवाज है। मैं आपको और भी शो करवाता हूँ कालों का। पहली बाजी है, दूसरी बाजी है, जब भी हमने जेड़ थोड़ा आया है इसके पठियाँ बठे हमारे पास आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। इसका एक पट्ठा उड़ा है हमारे पास अभी। अच्छा। तीन चार इसके पठियाँ बठे थे इस बाजी में। अच्छा अच्छा, इस बाजी में अभी भी हमारे पास भी हैं ये इनके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। वाले साहब ने तुसी वो एक अद्धा परिंदा होर लै जाओ। अच्छा उस्ताद मोहतरम, यह तुसी जिहड़े परिंदे ने किन्नी देर तो तुहाडे कोल ने? 20 साल तो। सही, ये किहड़ी नस्ल दे विच यानी कि गिने जांदे ने तुसी इहनां नूं, इहनां दा की नाम दित्ता इहनां परिंदिआं दा? असीं इक मगर जोड़ा सी। हाँ हाँ, उहनां नूं अगों चलाया छुड़िआ, असीं इहनां नूं मगर काले कहिंदे आ। अच्छा, काले कमगर कहिंदे जी। सही। अच्छा, इहनां दी अंधेरे दी परफॉर्मेंस की है? अंधेरे च वी बड़ी सियानफ करदे ने, चूहा मार के बैठ जांदे ने। हमारे पास 10 बाजियाँ उड़ी हैं। अच्छा ठीक है, 10 बाजियाँ उड़ी है, 3-4 बजे 10 घंटे से ऊपर ही उसकी परवाजें रही हैं। 9-10 टेम्परेचर में भी जो है ना पहले धागे की पट्टी खींची हुई थी। अच्छा, तो इसकी पट्टी बैठी है, 10 बाजियाँ उड़ी हैं हमारे पास। जब तूफान था जिस दिन, उस दिन भी 6:30 बैठी थी। एक जगह स्टिक करें इसके आगे, इसकी पट्टी जो है ना 10 बाजियाँ उड़ी है इसका। अच्छा, ये वाला नर लगाया? नर इसका भाई था लेकिन वो मर गया। अच्छा अच्छा, यानी कि ये कम्बिनेशन जो ये हमारे अली वाले कबूतर। अच्छा अच्छा, कबूतर इनमें कालों का बड़ा अच्छा असर आया है। अच्छा अच्छा, ये जी उस्ताद बोला साहब के जी अली वाले परिंदे इनके जो इन्होंने क्रॉस किए हैं वो काले जो इनके कबूतर हैं। दस बाजियाँ इनका जो है ना पट्टी हुई। अच्छा उस्ताद जी, इन्हों का काम तुम सियालकोटियों के भी मैनशन करके लिया है? नहीं, यह खुद भी बड़े उड़े ने, लेकिन सियालकोटियों के भी क्रॉस कर रहे हैं। जो मेजर इनका रिजल्ट आता है ना टैडी कबूतरों में ज़्यादा। सही, टैडी कबूतरों के साथ। टैडी कबूतरों में इनका आया, इनका मोटियों वालों में बड़ा रिजल्ट आया।
एक क्रॉस में जो है ना हर पार में इन्होंने काम सही पार में ना डब वालों में काम आए सही डब वालों में इनकी पट्टी हमसे तूफान में रही मिस हुई है वरना वो भी 11-10-11 घंटे वाली बाती थी गर्मी में टेम्परेचर में जो है ना तो ये हर पार में काम करते हैं इनकी आंखें भी बेशक रेड हैं लेकिन आगे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि रेड आइज में भी इन्होंने काम किया अच्छा माशाल्लाह रेड आइज में भी इन्होंने काम किया मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी इन्होंने ये कबूतरों ने हमारी परफॉर्मेंस में जो है ना मेन किरदार लिया सही माशाल्लाह कबूतरों का कटेरों कबूतरों का अच्छा उस्ताद मतलब इन्हों की अपनी परफॉर्मेंस यानी कि जिन्होंने असं प्योर कह दें जी जी प्योर के इन्हों की की परफॉर्मेंस रही है प्योर भी बड़ी अच्छी उड़े रहे सब तो पहला जो उड़े प्योर ने सब तो पहले उड़े प्योर ने उदो सा अपनी छत नहीं थी असं बाकी उड़ाए रहे हैं बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस की है उस तो बाद असी अपनी छत बन गई फिर जितने भी भेजे ने उन्होंने अपना रिजल्ट दिता सही माशाल्लाह ये हर मौसम दे चोर हर मौसम च और हर कबूतर में इन्होंने टच किया इन्होंने काम किया अच्छा सारे माशाल्लाह हाँ जी कमाल है अच्छा ये कब से यानी 20 साल पहले कि आपने बनाया ये बने आपके पास कैसे हैं बने ऐसे हैं मुझे जोड़ा आया था हो से अच्छा उनकी जो नार था बड़े काद का था वो तो साइड पे हो गया जो मादी थी उसके साथ फिर मैंने कोशिश की चीना को ऊपर लगाया फिर उसमें से जो काले निकले हैं फिर उनको मैं किसी के साथ लगाता क्यों कभी किसी का जो काला निकलता था वो मैं कैच कर लेता था उसके साथ फिर उनको आस्ता आस्ता बढ़ाता गया ऊपर ही चलते हैं कोई नहीं आइए दोस्तों मैं अभी आपको ऊपर की तरफ लिए चलता हूँ ये सेटअप है अभी ऊपर जो है वो उड़ने वाला सेटअप है उनमें माशाल्लाह ब्रीडर कबूतर भी हैं आज दोस्तों हमारी कोशिश यही है कि हम आज आपको जो अच्छे इनके कबूतर हैं उनका मैं शौक करवाएंगे गर्मी आज दोस्तों काफ़ी है माशाल्लाह ये दोस्तों सेटअप है इनका उस्ताद इम्तियाज बोला साहब माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है अभी रिजवान भाई से पूछेंगे थोड़ा सा हाँ जी अभी रिजवान भाई से पूछेंगे इनके बारे में परिंदों के बारे में कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ आपको यहाँ पे बड़े बड़े पिंजरे भी दिखाई देंगे और इस तरफ भी हैं इस तरफ भी आप देख सकते हैं इनके हर चारों तरफ गुंजान आबाद इलाका ये सियालकोट का तो काफ़ी चारों तरफ ही मेरा ख्याल ऊंचे ऊंचे जाल है अंदर ही आ जाए अच्छा यहाँ पे इतने इतने बड़े जाल हैं इतना बड़ा गुंजान आबाद इलाका है जी जी तो कैसे यहाँ पे मैनेज कर लेते इलाका अच्छा है जिस अच्छा से हम कबूतर उड़ाते हैं आप उधर लेके जाएंगे आप खुद कहेंगे यार आपकी हिम्मत अच्छा जी आप उधर शो कर रहे हैं ये तो इलाका फिर बड़ा अच्छा इलाका है कोई इतने शैतान लोग नहीं है अच्छा ये तो जितने भी लोग हैं ना ये हाँ। आपके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं लेकिन हमारा घर है हम इधर से उड़ाने का शौक नहीं करते अच्छा अच्छा ये सिर्फ इधर ब्रीडर है ये सिर्फ ब्रीडिंग सेटअप है तो बात करने का मकसद ये है कि वो जिधर मेन उड़ाते हैं उधर रश है उधर रश है उधर लोगों के मामला जो है ना बड़े ये हमारा माशाल्लाह कबूतर है मेन ब्रीडर कबूतर है काले कबूतर इन कबूतरों की औलादें हैं आगे सब जो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से जो दो काले बैठे थे एक इनमें से पट्टा था इनका बच्चा खींचा हुआ था और एक जो बाजी में लास्ट बाजी पर डाला था वो 47 टेम्परेचर में बैठा था मोर के बगैर 5:30 बजे कि यानी कि ये कबूतर ऐसे कबूतर हैं कि टेम्परेचर में भी अपनी मिसाल आप हैं माशाल्लाह अपनी मिसाल आप
ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूतर है हमारे पास काले, दोस्त इनके पास माशाल्लाह जी, ये सेल नहीं करते माशाल्लाह, इन्होंने अपने शौक के लिए ये रखे हैं, बहुत ही नायाब परिंदे इनके पास ये काले जो कबूतर हैं। ये आगे कालों में मगर टच दे गए, थोड़ा कलर चेंज हुआ है, आईज उसकी फिजीक थोड़ी चेंज हुई है। फिर अभी कालों में भी हम जो है ना काफ़ी चेंजिंग करते रहते हैं। ये मैं आपको भी एक कबूतर दिखाने लगा हूँ, ये कबूतर खुद छत पे उड़ा हुआ है। अच्छा ये वाला, ये वाला ये खुद छत पे भी उड़ा हुआ है, और प्लस इसके जो पठियाँ पठे हैं वो भी शाम तक इस बाजी में उड़े हुए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हमारे नयाब कबूतर हैं, प्यार वाले कबूतर हैं ये। इसके कुंदे का शौक करवाएं जो सारा है, सारी है ना। ये 200 चेक कीजिए इसकी आखिर वाली, चार कलियाँ माशाल्लाह। इसकी दुम भी दिखाइए और पंजे का भी शौक करवाएं। ये 200 चीज़ें देखिए, जामुन और खुश्क पंजे इनके, मेरा ख्याल सभी के इसी तरह ही हैं, ऑलमोस्ट सभी के। आपको मैं एक और मेरा उड़ा हुआ है, आगे मैंने इसके उड़ा भी पठियाँ पठनी भी देखी है। ये भी घर का आई थिंक अभी स्टील इसका नंबर, हाँ नंबर भी बड़ा हुआ है इसको अभी भी। अच्छा ये मैं उड़ाता था जी 4-5 साल पहले, और उस्ताद जी ने देखा, उसने कहा ये मतलब जो है ना ये जोड़ में ले जाओ। अच्छा ये वाला आगे से इनके पठियाँ पट्ठे जो है ना वो तोड़े हैं। इस कबूतर को क्या बोलते हैं? ये भी आईज इसकी दिखाएंगे, ये भी काला कबूतर है। अच्छा काले हैं ये, एक हमारे चीने और जैसे अबू ने बताया कि एक लाहौर से कबूतर था उसके जो है ना आगे क्रॉस दी है, ये काले और चीने क्रॉस है। ये खुद भी उड़ा हुआ है, ये खुद भी कबूतर शाम शाम तक उड़ा हुआ है। तो ये दो भाई थे उड़ाने के लिए, उस्ताद जी ने एक जो है ना जोड़े लगवा दिया। तो आगे से इसके पठियाँ पट्ठे बहुत नायाब, जो मैंने आगे आपको पट्टी दिखाई है वालों में क्रॉस दी, हाँ जी वो ये पार था। अच्छा माशाल्लाह, ये 200 इसकी आईज आप देखें, इसके आईज के रिंग भी बड़े माशाल्लाह कमाल के हैं, बहुत ही नायाब आईज है कमाल की। अच्छा जब ये कबूतर उड़ते हैं जी जी, जब वापसी आते हैं कबूतर में, वो अक्सर कबूतर होते हैं क्योंकि उनको संभालने में टाइम काफ़ी लगता है। कुदरती हमारा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इनकी है, ये कबूतर अंधेरे में भी इजीली लैंड कर जाते हैं, प्लस ये कबूतरों की रिकवरी बहुत अच्छी है, आपको क्विक जो है ना इन्होंने रिकवर होना सही। चाई खुराक शुराक कोई इनमें होता है ना, कहीं ब्लड ऐसे हैं जब खुराक देते हैं रुक जाते हैं, कुरबानी भी है सब कुछ है, कचाई नहीं है। अल्लाह की तरफ से इनमें जो अच्छे कबूतरों में होनी चाहिए ना खूबियाँ, ये सारी खूबियाँ इन कबूतरों में इनमें इनमें है माशाल्लाह। फिर आगे से हमने जो इनको कालों को इन कबूतरों में क्रॉस लिया है, इन कबूतरों में, तो इन कबूतरों की आगे से इसकी आईज देखें आप कितनी सुरह है। इन कबूतरों में भी ये कालों कबूतरों ने इनकी पट्टी ने मोर खाई है, इनकी पट्टी ने मोर खाई है, और उसकी भी आई इस तरह की थी कि फुल रेड, लेकिन वो टेम्परेचर में भी उड़ी है, मोर में भी आई है, अभी वो पट्टी थी बच्चा खेंचा हुआ था। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कबूतरों में बड़ी नयाब किस्म की सलाहियत है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह उड़ रहे हैं हमारे पास। यही कबूतर इसमें काला पर भी है, प्लस इसमें कमगर डाचा है, आगे इन कबूतरों ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया हमें। स्टिल करें एक जगह पे इसकी आई जरा मैं कह रहा हूँ दिखा दें आप जी जी एक सेकंड। ये दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं काले और जो इनके कमगर कबूतर हैं, ये उनका मिक्सअप है, ये आगे क्रॉस में ये निकला है माशाल्लाह,
ये कैसा निकला ये 200 आपने कमेंट्स करके बताना है हमें। माशाल्लाह कबूतर की बंकतर पूरी है, पूरा जिस्म इनका पूरा आगे से सीने चौड़े और वो मीडियम का फजीक है ये कबूतर है। तो बड़े अच्छे माशाल्लाह इनके रिजल्ट। अच्छा अच्छा इन कबूतरों के फिर मैं आपको बटेरे कबूतर दिखाता हूँ। ये बटेरे अभी ज़्यादा कबूतर तो सियालकोट नीचे खड़े होंगे। ये हमारा बड़ा कबूतर है, इसकी भी एक पट्टी बाजी में आई। ये बटेरा कबूतर है, ये बटेरा कबूतर है, ये आप कह लें शेहा वाला बटेरा। दो क्रॉस है इसमें। अच्छा अच्छा माशाल्लाह दो क्रॉस है इसमें। ये जो लाल दे रहा है ना कलर दे रहा है ये शेहा वालों की वजह से है, और बाकी जो इसका मामला है ये कबूतर जो है ना कामट वाले जो कबूतर है ना वो ये कबूतर है। इसको इसी तरह रखें, इसी तरह। माशाल्लाह दोस्तों आपको मैं और कबूतर दिखाता हूँ अपने शेर वाले, वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह ब्रीडर है, अभी रेस्ट पे छोड़े हुए। अच्छा अच्छा ये हमारे पास गोल्डन कबूतर है। अच्छा माशाल्लाह इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अच्छा ये भी आपके पास परफॉर्म कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी परफॉर्म, ये सियालकोटिया में जो है ना बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सियालकोट के कबूतरों में कर रहे हैं ये अच्छा परफॉर्म। ये देखिए दोस्तों मैं माशाल्लाह आपको दिखाता चलूं कि काफ़ी तादाद में इनके पास कबूतर है। ये इनके पास माशाल्लाह नहीं वो तो क्लियर है, बस मैं मोबाइल जो ना वो इसने हीट अप का भी मैसेज दे देना। दें दोस्तों अभी मैं एक आपको करना बात। आ जाए भाई उस तरफ आ जाए। जी दोस्तों ये सेटअप है जी उस्ताद इम्तियाज़ भोला साहब आप सियालकोट। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सेटअप है इनका, ब्रीडर सेटअप है सारा इनका। इस कबूतर का पट्ठा भी 10 बाजी हो रहा है। अच्छा वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है हाँ बिल्कुल वीडियो क्लियर है। इसका जो पट्ठा है 10 बाजी हो रहा है। अच्छा 10 बाजी में माशाल्लाह। ये जेट वाली या ये जो भी गुजरी है ये भी गुजरी है बाजी में। माशाल्लाह ये दो कुदो में ला रहे हैं। ये दोस्तों सेटअप चेक करें माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत सेटअप है जी। अच्छा कबूतर ने मोतियाँ ले और नीचे एक माली जी इन्होंने थोड़े गुड़े सन इन्होंने थोड़ा शौक करवा दिया। हेलो जी आसिम भाई जी दोस्तों अभी मैं कुछ आपको मोती वाले मोतियों वाले कबूतरों का शौक करवाने लगा हूँ। तो जितने दोस्तों ने कमेंट किया जी तमाम भाई जी मैं भाई उसी तरफ करता हूँ। असल में वो धूप काफ़ी आज टेम्परेचर भी काफ़ी है
लाखे कबूतर हैं। अच्छा, उनका मिक्सर है। और ये इसी रंग में ये कबूतर हमारे पास 10-10, 12-12 घंटे हुए हैं। बैडली इसकी बहन थी हमारे पास सुनने वाली जगह पे ना। अच्छा, बस फिर तो मैं, आपको पता कबूतर कम होते हैं, वो नहीं एडजस्ट हुई, कम होगी, रात रह गई। लेकिन ये जो कबूतर है, ये जो हमारे कबूतर हैं ना, अच्छा, इसी रूप में अल्हम्दुलिल्लाह ये शाम शाम तक उड़े हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 8-9 बहने हैं, एक भाई है। जी कामरन जनाब, इस वक्त सियालकोट से हम आपकी खिदमत में लाइव आ रहे हैं। अच्छा, ये भी वो लाखे हैं? ये इसकी माँ है, ये जो पट्टी दिखाई है इसकी माँ है। अच्छा, माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। ये माशाल्लाह इसके पट्टियाँ, पट्टे जो है ना, लाजवाब उड़े हुए हैं। इस वक्त दोस्तों मेरे साथ हैं जनाब उस्ताद कमर शाह साहब, माशाल्लाह, शेखुपुरा की पहचान, माशाल्लाह। जी वेलकम जी उस्ताद कमर शाह साहब। शाह जी ज़रा सफियान को भी ये परिंदे दिखा दीजिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब उस्ताद आसफ भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अच्छा, ये इसकी बहन बोर में उड़ी थी तूफान में, बारिश में कम हुई थी। अच्छा, ये उसका आइस कलर था और इसकी लाजवाब परवाज। जी बहुत शुक्रिया मुर्शद राणा दिल दार साहब जी, क्या हाल चाल है जी? राणा साहब तबीयत से ठीक है जी? मुर्शद माशाल्लाह इनके जी काले कबूतर बड़े मशहूर हैं, इनके बड़ी तादाद में इनके पास माशाल्लाह मौजूद हैं इनके पास। अच्छा, ये अली वाली है? जी जी, इसकी पट्टी है और वो भी उड़ी है, 10 बाजियाँ उड़ी है। एक छठी पांचवी फड़क पे रात रह गई थी, रात रह के आई थी, फिर बाद में डाली है, तो फिर बाद में जो है ना 10वीं तक गई है, 10वीं बाजी तक, फाइनल बाजी तक। ये भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो परिंदे हैं ना, उनमें शुमार है। इनको आगे हमने अच्छे अपने सियालकोट टीम में डाल के, उनका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। अच्छा, इसके कलर में उसके कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है? जी ज़ाहिर बात है, आपको पता है बहन भाई सारे एक जैसे नहीं होते, ज़्यादा मोस्टली इस तरह की है, मोस्टली जो है ना इस तरह। रिजवान भाई आप इस तरफ हैं मेरे पास, इस तरफ आप शौक करो। जी तनवीर आलम साहब, अभी इनके कुंदों का भी शो करवाता हूँ आपको। माशाल्लाह जी,
ब्लड बटेरे कबूतर हमारे चूहे क्रॉस चूहों में से मैं आपको दिखाऊं हमारे पास है। अगर दोस्तों मैं दिखाता चलूं कि ये अभी बाइक परिंदे लेने गए हैं, यहाँ पे काफ़ी छते शौक करने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े बड़े जालों वाले तो है ही छते हैं, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे छते इस इलाका में शौक करने वाले भी दिखाई देती हैं। समाधि का पट्टा, अच्छा समाधि का पट्टा हमारे पास उड़ा है, अच्छा कह सकते हैं एक फड़क पे रात रह गया था, बाद में दसवीं फड़क पे भी वो सवा छः बैठे हैं, यानी कि 10-11 घंटे वाला कबूतर ये वाला माशा ये वाला, ये चूहा क्रॉस पा दिया हमारी, ये खुद भी उड़े हुए हैं, आगे इनको क्रॉस भी दिए हैं, ये आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस है। इसका बाप चूहा था, माँ इसकी टैडी थी, और इन कबूतरों ने हमें परफॉर्मेंस दी है। जी फैसल खान साहब जी बहुत शुक्रिया। क्या बात है, नीचे भी कबूतर रखे हुए हैं। ये दोस्तों एक कबूतर उड़ा है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल कुएं में उतरा है। क्या बात है, ये कबूतर इन्होंने नए उड़ाए, वो नीचे आपको मैं अगर दिखा दूं पास थोड़ा सा जाके, वो नीचे कुआं कह लें कि एक ज़मीन पे कह लें कि छत है, वो देखिए कहाँ पे वो काला जो आपको एक परिंदा बैठते हुए दिखाई दे, हैरान करने वाली बात है माशाल्लाह। ये देखिए ये दिखाई दे रहे होंगे आपको उतरते हुए परिंदे, तो दोस्तों कमाल की बात है माशाल्लाह, कहाँ पे कुएं में कबूतर उतर रहे हैं। तो अगर आपको दिखा दूं कि यहाँ आस पास बड़े बड़े जाल भी हैं, तो मेरे ख्याल जो किसी भी वक्त कबूतर को जाने नहीं देंगे, ये आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सेटअप है, ये बड़ी बात होती है ये दोस्तों। हाँ ठीक है, ये दोस्तों इनके पास माशाल्लाह ब्रीडर सेटअप है इनका जी। अच्छा इस चूही का भी शौक करवा, छत वाली ये चूही है, ये छत वाली ये चूही है, अच्छा चूहा और छत वाला क्रॉस है, अच्छा मिक्स ही है। असल में ये है कि सियालकोट में आए तो सियालकोट के कबूतरों का शौक ना करें मज़ा नहीं है। सर मैं आपको करवाता हूँ, सियालकोट के सारे नीचे हैं, नादियाँ ऊपर हैं, नाद नीचे हैं, ये कबूतरों कबूतरों की जो आप कह लें कि बेवकूफ़ियाँ होती हैं, ये कबूतर निकाल लेंगे, ये इनके भी पट्टियाँ पट्टियाँ हमारे पास क्रॉस में, ये जो मैं आगे आपको मादी दिखा रहा था, हाँ जी हाँ जी, यानी कि इसी पार से वो मादी डाल के आगे काम अच्छा, किया हुआ है माशाल्लाह। ये हमारे पास चूहे बटेरे इनमें से एक मादी ने इसकी पट्टी ने एक ने मोर खाई है, ये शेहा वाले क्रॉस कबूतर में माशाल्लाह क्या बने, ये इसकी पट्टी ने मोर खाई है पूरी है हमारे पास, बड़ी अच्छी है उसकी परफॉर्मेंस। ये मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ये छाता वाली जैसे